इस बार 20 तारीख से ये घोषणा की गई कि आप जाके उसको एक्सचेंज करवा लीजिए, 30 सितंबर तक उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। एक नोट दो, या तो 500 के 4 नोट ले आओ या 100 के 20 नोट ले आओ या 50 के 40 नोट ले आओ। वो बोला 30 सितंबर के बाद भी ये बंद नहीं हो रहे हैं, पर एक्सचेंज करवा लीजिए। पता नहीं क्या मंतव्य है, बंद नहीं हो रहे हैं पर एक्सचेंज करा लीजिए। एक्सचेंज कराना अच्छा रहेगा। और इस बार घोषणा माननीय ने टीवी पर आके नहीं करी, इस बार रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया। आपको याद होगा जब आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज लूट हुई थी, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर था, पर इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर नहीं था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर था। अब हम कुछ बातें लेके आए हैं और सरकार से इन 5 बातों का हम जवाब चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि एक बार में जाओ 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ, दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ, 40 बार की जाना चाहते हो तो 40 बार, वैसे 40 बार जा नहीं सकते हो क्योंकि लंबी लाइन भी है, दिन भर करोगे तो 5-6 बार ये काम हो सकता है। पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा ये नोट किसका है, ये नोट कहाँ से मिला, आपकी इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर, नहीं वो नहीं पूछेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, पर अगर इन 10 नोट को जितनी बार जाना जाके आना है 30 सितंबर तक, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडो खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना है लाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम किए करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। ये 2000 का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, दिस इज ए रॉयल वेलकम टू द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा बहुत जो ये 2000 का नोट किनके पास मिलेगा, 6 करोड़ MSMEs के पास, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल है, उनको कैश बेस्ड इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए किनके पास मिलेगा, तो 1 या 2-3 नोट मिल सकते हैं। 6 करोड़ MSME ओनर्स जो कि देश के हैं उनके पास मिल सकते हैं 2-4 नोट, या 11 करोड़ किसान के पास मिल सकता है क्योंकि वो फसल बेच के आया, उसको 2-3 नोट दे दिए, वो अपने घर में उसको लेके बैठा है। अब 11 करोड़ देश के किसान और 6 करोड़ एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वो वापस 42 डिग्री के टेम्परेचर में, 43 डिग्री के टेम्परेचर में बैंकों के ऊपर लाइन लगा लो। साहेब गए 14 डिग्री के टेम्परेचर में सिडनी, और 6 करोड़ एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स को और 11 करोड़ किसानों को 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कल तो दिल्ली में 46 डिग्री के तापमान था, 46 डिग्री में आपको लाइन में लगा दिया। और लाइन में ही नहीं लगना है, आप अब आपके जो आपका जो साइकिल था वो आपने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब आप जाओगे 2000 अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, जो 3-4 नोट आप अपनी जेब में रखते हो, आप बिजनेस में रखते हो, उनको एक्सचेंज कराने जाओगे, पूरी वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव से बाहर नहीं निकला था, उसके ऊपर एक और चपेट मारी, पता नहीं कहां से ये आइडिया लाते हैं। तीसरी बात, और ये कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूं, देश में
इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है। तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजेक्शन होंगे? टोटल ट्रांजेक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, 36 करोड़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक ट्रांजेक्शन में मैं मान लेता हूं 4 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स। तो अगले 4 महीने में बैंकों के 144 करोड़ मिनट सिर्फ किस काम में लग गए कि 2000 के नोट जो भी ला रहा है उसको या तो 4-500 के दो या 20 2000 के 100-100 के दो या 40-50-50 के दो। तो लगभग 144 करोड़ मिनट अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों के इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो, नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है, 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफ टेक नहीं करेगा तो रोजगार का नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट बिकॉज 2.5 करोड़ आवर्स अप्रोक्सीमेटली विल बी लॉस्ट इन जस्ट एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2000 नोट्स। पॉइंट नंबर 4, देश की डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड क्या? एक तो मैंडेटरी कंज्यूमर डिमांड है कि भाई आटा लाना है, दाल लानी है, सब्जी लानी है, बोले खाना ही पड़ेगा जीवन। पर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर डिमांड है जैसे हाई एंड अपैरल, लग्जरी गाड़ियां, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, वो कैसे खत्म होगी कि भाई जिनके पास 2000 के नोट है वो पहले तो जाएंगे अगले 4 महीने में 2000 के 5-500 में कन्वर्ट करने। अब 500 में भी उनको थोड़ा भय कि पता नहीं कब कौन सा सर्कुलर आ जाए और ये कुछ नया सर्कुलर आ जाए। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है वो नीचे आएगी। अगर वो डिस्क्रिशनरी डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नीचे आएगी तो देश का GST कलेक्शन कम होगा। जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो देश की सरकार के पास सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में जो बजट एलोकेट किया था वो पैसा ही नहीं होगा। तो कौन भुगता? वापिस कौन भुगता? जिसने ब्लैक मनी रखी वो नहीं भुगता। भुगता वो व्यक्ति ही जो कि लोअर इनकम ग्रुप में है या मिडिल इनकम ग्रुप में है, क्योंकि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग से फायदा उसको सबसे ज्यादा होता है। पांचवी बात, भारतीय मुद्रा कोई मजाक का विषय नहीं है। हम नहीं चाहते कि देश की मुद्रा के बारे में कोई विदेश व्यक्ति ये बोले अरे ये नोट कब तक रहेगा यार, इसका ध्यान रखना थोड़ा। क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं साख, क्रेडिबिलिटी ऑफ द करेंसी इज एट स्टेक। आज भारतीय करेंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने। कब आप कौन से नोट के कब कौन सी घोषणा कर दो, जब क्रेडिबिलिटी की साख पे, मुद्रा की साख पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो एक्सचेंज वैल्यू जो मुद्रा की है, एक्सेप्टेबिलिटी जो मुद्रा की है वो कमजोर बढ़ जाती है। और इन सारे मुद्दों से ब्लैक मनी कीपर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बिना नाम, बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड, मुंह पे मास्क पे ही लगा के जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। वहां जाए, जितना पैसा उसके पास 2000 के नोट में है एक्सचेंज करा के वापस आ जाए। पर इफेक्ट किसको पड़ा? MSMEs को, किसान को, लोअर इनकम ग्रुप को, मिडिल इनकम ग्रुप को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म होगी, GDP और नीचे गिरेगी, रियल इनकम जो है देश के लोगों की जो वास्तविक आय है वो और नीचे आएगी। इसलिए हमने ये वापस पुनः सरकार से पूछना चाहते हैं कि 7वीं एनिवर्सरी आपकी ऑर्गेनाइज लूट की आने वाली है, 2016 नवंबर से अब 2023 नवंबर आना वाला है, उससे पहले
ये दो हजार का नोट सरकार ने निकाला क्यों था पहले तो वो समझा दे, कौन वो महान अर्थशास्त्री थे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन अर्थशास्त्रियों को देखना चाहता हूँ, उनको छूना चाहता हूँ जिन्होंने ये नोटबंदी और 2000 के नोट निकालने का निर्णय किया। हम ये भी मांग करते हैं कि एक पूरा व्हाइट पेपर लेके आए कि वाई 2000 रुपीज नोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, हु ऑल वर देयर, हु वॉज सेइंग कि ये 2000 के नोट से काला धन खत्म हो जाएगा। मैं उन सब लोगों को मिलना चाहता है, देश के लोग। वो कौन से लोग और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि भाई इस 2000 के नोट में चिप भी डाली हुई है, चिप का भयंकर संकट है देश में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री त्रस्त है चिप के संकट से, तो वो चिप का संकट से के कारण इसको वापस लिया है, किस कारण से इसको वापस लिया है, 2000 का नोट वापस एक्सचेंज करने का निर्णय क्यों लिया गया, पहले तो ये बताएं कि क्यों लाया गया और फिर ये बताएं कि इसको वापस क्यों लिया जा रहा है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। एक कंपोजिट व्हाइट पेपर वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बिफोर आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ द सब्जेक्ट इन इंग्लिश। मिनी डीमो इज ए रॉयल वेलकम फॉर द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी। अगेन आफ्टर दिस मिनी डेमो, छोटा छोटा पैकेट, आफ्टर दिस मिनी डेमो डिमोनेटाइजेशन, अगेन 6 crore एमएसएमई एंटरप्रीनियर्स एंड 11 crore फार्मर्स आर ऑन लाइन एट 44, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री। वी हैड सीन दैट दिस पिंक कलर 2000 रुपीज नोट इज आउट ऑफ सर्कुलेशन। आई हैड नॉट सीन दैट। इफ यू हैड सीन दैट, यू माइट बी फॉर्चुनेट। So we are just asking a first simple question, that there are 181 crore 2000 rupees note, who is holding these notes and why government is giving a royal welcome to the people who are coming for the exchange of these 181 crore 2000 rupee notes, and there is no Aadhaar, no PAN requirement, no identity, anyone can go. It is like a bearer check. Without disclosing his name, can go to the bank and can convert 2000 rupees or can exchange 2000 rupee note for a smaller denomination. So is this not the royal welcome for the keepers of black money? Point number one. Point number two, why government want that all 6 crore MSME entrepreneurs and 11 crore farmers will be again online in line? Why you want that? And mind it, if they are going to be in line, the transaction face problems, especially for the small businesses, producers and traders. The economy will be impacted, which had just started showing some minor signs of recovery. Point number three, bank credit growth is going to have an adverse growth. If we assume on an average a person will come for the exchange of 5 2000 rupees note, bank have to perform around 36 crore transactions in next 4 months. If average we assume that 4 minutes is required to complete one transaction, in next 4 months bank has to spare, all the branches of all the banks has to spare 144 crore minutes of banking hours just for this exchange program. This will harm the growth in credit, as many bank branches will be busy in this exchange only in next 4 months, resulting in slow or no job creation in the economy. Point number four, discretionary consumer demand will fall. When citizens will be busy in rupees 2000 notes exchange program, there will be a fall in the demand for consumer discretionary products like entertainment, like high-end apparel, luxury cars, resulting in a low GST collection from these economic activities at least in the next 4 months. That will hurt the social sector spending by the government. And last but not least, there is a fall in the credibility of our currency. With such full demo we had in November 2016, now we had a mini demo, the credibility of our currency will be at stake. In long term, it affects the credibility and acceptability of our currency. With this mini demo, the ordinary citizens will be impacted indirectly via rising unemployment and loss of income.
they continue to be impacted by day-to-day corruption. We had seen 40% commission sarkara in Karnataka. So we once again demand that a white paper be issued on independent India's greatest organized loot. साथियों, हमें 10-20 कारण तो सरकार ने बताए कि उसने नोटबंदी क्यों की, पर कोई कारण का डाटा अभी तक सरदेश के सामने नहीं रखा। एक कारण ये भी बताया कि साहब करप्शन खत्म हो जाएगा। अभी हमने देखा कि कर्नाटक में जो मौजूदा जो पूर्व की सरकार थी वो क्या 40% कमीशन खोरी में कैसे लिप्त थी, और ये अब नया छोटा पैकेट मिनी डेमो का आ गया। तो वी डिमांड दैट इंडिपेंडेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज लूट उसका वाइट पेपर देश के सामने रखे कि हु ऑल ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑल टाइम हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट और हैड एडवाइज द गवर्नमेंट टू स्टार्ट विथ द रुपीज 2000 नोट एंड व्हाई द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू टेक बैक टूडे एंड दैट टू फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम which doesn't require the identity of the person who is coming for this exchange of this 2000 rupee note. So this is all from my side as far as this subject is concerned.